आजकल बॉलीवुड की तरह ही टीवी की दुनिया भी काफी सुर्खियों में है। जिस तरह से बॉलीवुड में फिल्मों की भरमार है, उसी तरह आज से टीवी इंडस्ट्री में सीरियल्स की भरमार है। तभी तो हर एक सीरियल को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। इसलिए आज हम आपको टीवी इंडस्ट्री में काम कर सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाली कुछ अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आपकी फेवरेट अभिनेत्रियां एक एपिसोड में काम करने का कितना चार्ज करती हैं। अगर आप भी इस जानकारी से जल्द रूबरू होना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही आपकी फेवरेट एक्ट्रेस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर वन, साक्षी तंवर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सीरियल कहानी घर घर की में से उभरी अभिनेत्री साक्षी तंवर का शुमार होता है, जिन्होंने इस सीरियल के चलते कई सीरियल्स में शानदार काम किया। वही अभिनेत्री बॉलीवुड फिल्म दंगल में भी नजर आ चुकी है। बॉलीवुड के अलावा एकता कपूर द्वारा निर्देशित वेब सीरीज कर ले तू भी मोहब्बत में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर चुकी हैं। अब ये इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक एपिसोड के लिए ये सबसे ज्यादा चार्ज करती होंगी। वेल, आपको बता दें कि साक्षी तंवर पर डे 1.25 लाख से 2 लाख तक चार्ज करती है। नंबर टू, सनाया ईरानी। स्टार प्लस के रोमांटिक शो इस प्यार को क्या नाम दूं में खुशी कुमारी गुप्ता का चुलबुला किरदार निभाकर प्रसिद्धि हासिल करने वाली अभिनेत्री सनाया ईरानी भले ही आज टीवी इंडस्ट्री से दूर हो, पर आज भी इनके बेहतरीन अभिनय को भुलाया नहीं जा सकता। यह अभिनेत्री अपने अभिनय के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहती है। अगर बात करें इनके पर डे सैलरी के बारे में, तो अभिनेत्री सनाया ईरानी आज 85 से 95 हजार तक चार्ज करती हैं। नंबर थ्री, हिना खान। टीवी के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और कसौटी जिंदगी में कमलिका का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री हिना खान आज टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्री मानी जाती है। इसलिए तो यह हर शो में काम करने के लिए 1.5 लाख से 2 लाख तक फीस लेती है। नंबर फोर, दिव्यांका त्रिपाठी। वही बात करते हैं टीवी शो ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला का किरदार निभाकर घर घर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में। यह अभिनेत्री टीवी इंडस्ट्री में अक्सर अपने अभिनय और अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इसलिए आज इनकी गिनती टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में की जाती है। लेकिन बात करें इनकी पर डे सैलरी की, तो यह शो में पर डे काम करने के लिए 1 लाख से 2 लाख के बीच चार्ज करती है। नंबर फाइव, दृष्टि धामी। जब टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही हो तो दृष्टि धामी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, दृष्टि धामी भी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है, जो कि एक भारतीय मॉडल भी है। वह दिल मिल गए, गीत हुई सबसे पराई और मधुबाला धारावाहिक के लिए ज्यादा जानी जाती है। वही झलक दिखलाजा के 6ठे संस्करण में वह विजेता रह चुकी है। बता दें कि दृष्टि धामी शुरू में तो अपने एक शो के लिए कम से कम 30 हजार चार्ज करती थी, लेकिन आज इतनी महंगी अभिनेत्री हो चुकी हैं कि एक एपिसोड के लिए 1 लाख से कम चार्ज नहीं करती होंगी। नंबर सिक्स, निया शर्मा। वेल, इस लिस्ट में शुमार निया शर्मा के बारे में कोई ना जानता हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि निया शर्मा एशिया की सेक्सीएस्ट वुमेन के लिस्ट में गिनी जाती है, जिनके बारे में हर कोई वाकिफ है। लेकिन आज यह टीवी सीरियल में इतना अच्छा प्रदर्शन करती हैं कि लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। प्रतिदिन यह सुर्खियों में छाई रहती हैं, जिसके चलते निया शर्मा आज अपने एक शो के लिए करीब 80 से 90 हजार तक चार्ज करती हैं। नंबर सेवन, जेनिफर विंगे। इस लिस्ट में एक ऐसी अभिनेत्री शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 12 साल की उम्र में की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्री जेनिफर विंगेट के बारे में, जो टेलीविजन के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। जेनिफर विंगेट टीवी शो सरस्वती चंद्र, बेहद और बेपनाह जैसे धारावाहिकों में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो यह आजकल टीवी इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन आपको बता दें कि अपने हर एक शो के लिए 1.80 लाख से 2 लाख तक चार्ज करती है। नंबर एट, श्वेता तिवारी। जेनिफर के बाद नाम आता है अभिनेत्री श्वेता तिवारी का, जो आजकल अपने अभिनय और सुंदरता से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत कसौटी जिंदगी नामक धारावाहिक से की थी, जिन्हें टेलीविजन की दुनिया में प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि श्वेता तिवारी टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस के 4थे सीज़न की विजेता रह चुकी हैं। वह इनकी सैलरी की बात करें तो यह अभिनेत्री अपने शो के लिए लगभग 60 से 70 हजार तक चार्ज करती हैं। नंबर नाइन, सुरभि ज्योति। सुरभि ज्योति इंडस्ट्री की वो अभिनेत्री हैं जो रातों रात अपने अभिनय के चलते फेमस हो गई। ये एक भारतीय अभिनेत्री और टीवी एंकर भी हैं। बता दें कि सुरभि पंजाबी फिल्मों और पंजाबी धारावाहिकों में एक लोकप्रिय चेहरा है।
लेकिन यह टीवी के धारावाहिक कबूल है में जोया फारूकी के रूप में मुख्य भूमिका निभाने के कारण सुर्खियों में आ गई थी। वर्तमान में है उसी शो में सनम की भूमिका में काम कर रही हैं। मगर बात करें इनकी पर डे सैलरी की तो आपको बता दें कि सुरभि ज्योति आज एक एपिसोड के लिए 75,000 से 90,000 तक चार्ज करती हैं। वहीं अभिनेत्री नागिन 3 में भी नजर आ चुकी हैं। नंबर 10 अनीता हसनंदानी। आखिर में बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की गॉर्जियस अभिनेत्री अनीता हसनंदानी की सैलरी के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एक इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं, जो इंडस्ट्री में नताशा नाम से जानी जाती हैं। वही जीवन में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इन्हें बालाजी टेलीविजन के काव्यांजलि के अंजलि नंदा नामक किरदार से मिली थी और तभी से यह टीवी इंडस्ट्री में काफी धूम मचा रही हैं। इसलिए ही आज यह 70,000 से 80,000 तक चार्ज करती हैं। वेल, इन सभी अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन है? आप हमें उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।